संत महान की कथा है गुरु कहान की। भारत की इस पुण्य भूमि का यह परम सौभाग्य है कि भगवान आत्मा की बात से सदा ही इसका नाता रहा है और सौराष्ट्र की मिट्टी में न जाने कौन सी ऐसी विशेषता है कि यहाँ समर्थ शूरवीर और संत पैदा होते रहे हैं। समस्त संसार जब भौतिक सुखों के पीछे दौड़ रहा है और अपनी आत्मा को भूल चुका है तब आज भी स्व आत्मा की बात निरंतर सुनाई देती है सोनगढ़ गांव में। सच ये है कि आज सोनगढ़ और कांजी स्वामी एक दूसरे के पर्यायवाची हो गए हैं। अब आइए हम देखें वो पुण्य स्थान जन्मे जहां संत गुरु कहान। आज से 88 वर्ष पहले किसी छोटे से उमराला गांव में पिता मोतीचंद भाई और माता उजम्मा के घर में विक्रम संवत 1946 की वैशाख शुद्धि दूज को रविवार के दिन इस परम पुरुष का जन्म हुआ था। कितनी खुशियां मनाई गई होंगी उस समय। श्वेतांबर स्थानक वासी संप्रदाय में जन्म लेने वाला ये बालक बचपन से ही शांत और धार्मिक प्रकृति का था। जन्म के समय एक ज्योतिषी ने भविष्यवाणी की थी कि ये बालक कोई सामान्य बालक नहीं, ये एक दिन अवश्य महान पुरुष बनेगा। पिताजी की छोटी सी दुकान में कहान का मन न लगा तो बड़े भाई खुशाल जी के साथ गुजरात के पालेज गांव की दुकान पर उन्हें बिठाया गया, किंतु वहां भी उनका मन न लगा। जब भी उन्हें मौका मिलता तो वे दुकान छोड़कर वहां आए हुए साधु संतों की सेवा में अपना समय व्यतीत करते। संसार में मन लगता नहीं था, सुख चाहिए, सत्य चाहिए, बस यही धुन हमेशा रहती थी। इसी तरह गुरु की खोज में 2 साल भटकने के बाद 24 वर्ष की युवान्वय में स्थानकवासी साधु हीरा चंद जी महाराज से विक्रम संवत 1970 में इसी उमराला गांव में दीक्षा ली। ये है दीक्षा के निमंत्रण पत्र का। हाथी पर बैठकर दीक्षा लेने जाते हुए कहान कुमार।
श्वेतांबर संप्रदाय के वेश में। दीक्षा लेने के बाद शास्त्रों का गंभीर अध्ययन शुरू हुआ, फिर भी जिसकी उन्हें खोज थी वो नहीं मिला। लोग उन्हें बहुत मानते थे, कठोर साधक के रूप में उनकी ख्याति थी, किंतु वे अंदर से उदास उदास थे। अध्ययन मनन होता रहा। इन्हीं दिनों शासन प्रभाव का एक मंगल प्रसंग बना। विक्रम संवत 1978 में दिगंबराचार्य कुंदकुंद स्वामी का समय सार ग्रंथ उनके हाथ लगा। बस जो चाहिए था वो मिल गया, जिसकी खोज थी वो पा लिया, और चिंतन मनन में वे लीन हो गए। अंतरात्मा पुकार उठी, जिस मार्ग पर तुम हो वो विपरीत मार्ग है। सत्य पंथ तो निर्ग्रंथ दिगंबर धर्म ही है। क्या करे और क्या न करे, यह मन संघर्ष 13 साल तक चलता रहा, और संवत 1993 में महावीर जयंती के दिन स्थानकवासी संप्रदाय छोड़कर छोटे से सोनगढ़ गांव में जाकर बस गई। अपनी बात पर वे अटल थे, और भगवान पार्श्वनाथ के सामने संप्रदाय का वेश मुहपति और रजोहरण त्याग कर स्वयं को दिगंबर श्रावक घोषित किया। संप्रदाय में हलचल मच गई। चारों ओर से कई प्रकार के भय और प्रलोभन दिखाए गए, पर वे अपनी बात पर अटल ही रहे। न किसी से बैर भावना, न तो किसी से द्वेष। पर स्वाध्याय मंथन और सत्य की खोज चलती रही। और थोड़े से भक्तों के बीच नित्य ही होते थे प्रवचन, और खुलते थे दिगंबर धर्म के रहस्य, समय सार का सार और भगवान आत्मा का संदेश। यही गूंजती थी वो आवाज। चिंतन मनन अप्रवचन में समय व्यतीत होता गया। इस छोटे से गांव में लोग धीरे धीरे आने लगे। संप्रदाय के मुंह में बद्ध विरोधियों का विरोध शांत होने लगा, और स्वामी जी के दर्शनों के लिए भीड़ दिनों दिन बढ़ती ही गई। सोचते हैं कि यहाँ सब लोग शुभ भाव के विरोधी हैं तथा पुण्य का निषेध करते हैं,
बात तो ठीक है, शुभ भाव से धर्म प्राप्ति कभी नहीं कदापि नहीं होती, किंतु धर्म मार्ग में प्रवृत्त साधक जीव को शुभ भाव नहीं तो कौन सा भाव आएगा। दिनचर्या शुरू होते ही प्रातः काल में ध्यान के बाद निवृत्त होकर भक्तजनों के आ रहे हैं। केवल ज्ञान से भिन्न आत्मा की बात कहने वाले ये संत कर क्या रहे हैं? क्या यह शुभ भाव नहीं है? प्रभु दर्शन करते समय उनके रोम रोम में भगवान के प्रति श्रद्धा के दर्शन हो रहे हैं। सच्चे देव गुरु और शास्त्र की श्रद्धा के बिना केवल ध्रुव परमात्मा की बात करने वालों से तो सच्चा दिगंबर धर्मी बहुत ही दूर है। पश्चात स्वामी जी दूध ले रहे हैं।